नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुचि मिति स्मृति देखिबा संपूर्ण खबर। कोरोना अटकाइला अमरनाथ यात्रा, आतंकवादी षड्यंत्र, बाबा बर्फानी, प्रभु अमरनाथों वार्षिक तीर्थयात्रा बंद कर पार नथिला, किंतु एथर कोरोना महामारी प्रशासन को बाध्य करिछि वार्षिक अमरनाथ यात्रा बातिल करिबाको। आज श्रीनगर में जम्मू और काश्मीर उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू एवं मंदिर ट्रस्ट बोर्डर एक बैठक में यात्रा बातिल लागि निष्पत्ति नियाजाइछि। अमरनाथ यात्रा शेष होबाकु 15 दिन बाकी अछि। वार्षिक तीर्थ यात्रा श्रावण पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा रे संपन्न होइथाय, एहा परे पवित्र गुंफा बंद होइथाय। तेबे एथर एही यात्रा 23 जून रु आरंभ हेबार थिला, किंतु कोरोना संक्रमण हेतु पंजीकरण आरंभ होइपारि नथिला। परे निष्पत्ति निया जाइथिला जे यात्रा जुलाई 21 करा जाय परिबो, किंतु जुलाई रे कोरोना संक्रमण रा मात्रा बढ़िबा कारण रु प्रशासन अमरनाथ यात्रा को बातिल करिछे। तेबे भक्तों भावना को नजर रे रखी अमरनाथों उभय सका और संध्या धूप एवं आरती रा सीधा प्रसारण करा जिबो, जहाँ को भक्त लाइव देखि पारिबे बोली कुहा जाइछे। कोरोना विरोधी युद्ध रे आपणक अस्त्र कौन? N95 मास्क। जदि आपणक उत्तर हाँ तेबे एहाकु शीघ्र बदलाई दियंतु, नहले आपण एही लढ़ई रे हारी जिबे और कोरोना जीति जिबो। एथिलागि ठीक मास्क आपणे कोरोना हरांतु, कारण ए नै नुआ सतर्कता जारी करिछि स्वास्थ्य मंत्रालय। काम देवनी भाल्व थिबा N95 मास्क, छिद्र थिबा मास्क काम देवनी। कपड़ार तीन स्तर बाला मास्क ही ठीक। हाँ आज्ञा, ठीक सुनी आपण, कोरोना विरोधी लड़ई रे कपड़ार तीन स्तर बाला मास्क ही सबुठ ठीक। एथिलागि आपण जदि भाल्व लागिथिबा N95 मास्क व्यवहार करुछंती तेबे शीघ्र एहाकु व्यवहार करिबा बंद करंतु। आउ कपड़ारे तयारी तीन स्तरीय मास्क व्यवहार करिबा आरंभ कर दियंतु। छिद्र बाला N95 मास्क हटांतु, कपड़ार थ्री लेयर मास्क आपणांतु, जीवन पई युद्धरे कोरोना को हरांतु। विश्वास करंतु बढ़ुथिबा कोरोना संक्रमण को रोकिबा लागि कपड़ार थ्री लेयर मास्क ही सबुठ भल। एक आमे कहुनु कहुछंती देशर स्वास्थ्य मंत्री। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ट्वीट जरिया रे ए संपर्क रे सूचना देछंती। छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लागिथिबा N95 मास्क कोरोना भाइरस प्रसार को रोकिबा लागि प्रस्तुत होइथिबा नियमर विरोधाचरण करुछि। समस्तंकु आग्रह करा जाउछि कपड़ारे तयारी थ्री लेयर वाला मास्क व्यवहार करंतु, अन्य मानकु एथिलागि प्रोत्साहित करंतु। केवल ट्वीट नुहे, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु चिठी लेखि समस्त राज्यंकु N95 मास्क व्यवहार करिबा विरोधरे चेतावनी दिया जाइछि। एहा सह एही पत्ररे राज्यमानंकु N95 मास्कर अनुचित व्यवहार उपरे रोक लगाइबाकु कहा जाइछि। संक्रमण विरोध में चलता यह लड़ई में कोरोना को सोशल डिस्टेंसिंग सह मास्क जरिया मात दिया जाई परिबो। ए परिस्थले प्रश्न उठी जे केते प्रकार रो मास्क रही, क्यों प्रकार रो मास्क उपयोगी। आपण को कही रखु जे मास्क तीन प्रकार रो होई थाए। प्रथम N95 मास्क, द्वितीय सर्जिकल मास्क और तृतीय कपड़ा मास्क। साधारण लोकों लगी सबुठ भल थ्री लेयर बाला कपड़े तैयारी मास्क, यहाद्वारा 95% भाइरस, 80% बैक्टीरिया और धूलि तथा अन्य कणिकर मुक्ति मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कोविड मुकाबला पाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आउ एक बड़ घोषणा। कोविड परिस्थिति रे डाक्तरंकर गुरु दायित्व रहिछे, सेतिपई डाक्तरंकर अवसर वयस सीमा 62 वर्षरु 65 वर्ष को वृद्धि करा जायछे। यहा सह श्रम ओ ईएसआई विभाग रे काम करूतिबा इन्स्योरेंस मेडिकल ऑफिसर को क्षेत्र रे मध्ये लागू हेबो एही नियम। कोविड स्थिति नै बसिथिबा बैठक रे आउ एक निष्पत्ति होइछे। कटक ओ खोर्धा दुईटी जिला पई 15 कोटी लेखाई पैकेज घोषणा करा जायछे।
कोविड रोगी चिकित्सा परे शय्यार व्यवस्था कटक एसीबी मेडिकल कोविड परिचालन और तालीम केन्द्र राज्य में कोविड सेवा सह संपुक्त कर्मचारी दिजरी भुवनेश्वर हो कोविड हॉस्पिटल हॉस्पिटल में रिश्ते आईसीयू शय्या और 150 कोविड शय्या चलित सप्ताह कार्य कर नीलाचल कोविड हॉस्पिटल हॉस्पिटल में 15 आईसीयू और 126 कोविड शय्या नुआ कोविड हॉस्पिटल और कोविड केयर होम पर अर्थ मंजूर होएमआरएफ 20 कोटी 64 लाख टंका मंजूर कर मुख्यमंत्री सेपटे कोरोना संकट में गरीबों डाली चाउल जोगाइबा को निर्देश दिया जाएगी जुलाई रु नवंबर जाए मागणा डाली और चाउल मिल राज्य खाद्य सुरक्षा योजन मासिक मुंड पिछा 5 केजी चाउल मिल परिबा पिछा मासक 1 केजी लेखाए डाली मिल यहाद्वारा उपकृत हेबे जातीय खाद्य सुरक्षा बात पड़ा गरीब लोके कटक को आज आउ 15 कोटी टंकार आर्थिक सहायता जोगाई देवाई माननीय मुख्यमंत्री आज घोषणा करते सहित भी गोटे बहुत बड़ घोषणा कि डॉक्टर मानकर रिटायरमेंट एज जो थिला 60 वर्ष ताकु 65 वर्ष को बढ़ई माननीय मुख्यमंत्री ता सहित आशाकर्मी अंगनवाड़ी एम को सहायता जोगाई देवाई आज निष्पत्ति आम 92 लक्ष रु 93 लक्ष लोक आम 1000 टंका हाथ में दे कैश एंड 6 मासर खाद्य सामग्री एनएफएसए अंडर एसएफएसए अंडर आम दे जो मान पाखे जो 6 मासर खाद्य सामग्री गोटाए मसे दे एसीबी मेडिकल कॉलेज को अधिक सहायता जोगे दिया जाऊँ एवं तांकर रिक्वायरमेंट अनुसार कारण तांकर जो पेशेंट लोड अनुसार सहायता दिजो एवं एवं ट्रेनिंग सेंटर गोटे सेटा गोटे फास्ट ऑफ इट्स काइंड कारण कोविड मैनेजमेंट उपरे ट्रेनिंग आउ इनफॉर्मेशन सेंटर भाव में एसीबी रे जो वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब अच्छी से राजस्थान हाइकोर्टे सचिन पायलट और 18 विधायकों को मिली आश्वस्ति राजस्थान राजनैतिक संकट नहीं चली मामलार शुणा को घुंचाई हाइकोर्ट मामलार परवर्त शुणा जुलाई 24 तेणु जुलाई 24 जाए कौन कार्यानुषान न नेवाचस्पति निर्देश देते हाइकोर्ट सचिन पायलट गोष्ठी पक्ष विधानसभा बाचस्पति नोटिस विरोध में हाइकोर्टे आवेदन कर शुक्रवार आरंभ हो मामलार शुणा शुणाणी बेले पायलट गोष्ठी वकिल मुकुल रोहतकी कहते एवं देश में कोरोना संकट चली 19 जन विधायकों नोटिस जवाब देवाक मात्र 3 दिन समय दिगला नियम अनुसार 7 दिन जाए समय बढ़ा कथा सचिन पायलट को गत सप्ताह कांग्रेस हाइकमाण्ड उपमुख्यमंत्री और पीसीसी सभापति पदर हटाई हमें हमको पार्टी बना दिया गया उन्होंने बना दिया लागू कर दिया हमारे को बहस सुन ली हमारी और बहस सुनने के बाद में 24 तारीख को रेस्पोंडेंट हमको रेस्पोंड बना दिया है और 24 तारीख को फैसला सुनाएंगे 24 को पूरा फैसला कर देंगे तब तक इसकी फिकर कोई कार्रवाई ना करे सबके आर्गुमेंट पूरे हो गए हाँ फैसला सुरक्षित उन्होंने कहा कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में कैसे हमने कहा कि यदि इसको हटा दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को जो शेड्यूल 10 पैरा 2A है वो ये कहता है कि यदि हटा दिया जाएगा तो आदमी कभी भी जैसे मान लिए चुन करके आ गया विधायक तो वो किसी दूसरी पार्टी में आ सकता है फिर मन नहीं लगा 3 महीने बाद फिर दूसरी में फिर ऐसे वो घूम सकता है तो इसको रोकने के लिए हमने कहा हम आए और इससे पब्लिक पूरी तरह से इफेक्ट होती है तो उन्होंने सही माना हमारी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पर लिया हमें पार्टी बनाया गया है और अब हमें कॉपी देने को डायरेक्ट किया और 24 तारीख को इसका फैसला है 24 तारीख को कोर्ट फैसला देगी अभी स्पीकर को रोका गया है कि वो 24 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा सुनवाई पूरी हो गई है सभी पक्षों को सुन लिया गया है और उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के समक्ष जो आज कार्रवाई होनी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 तारीख तक के लिए स्थगित करें क्या विधानसभा अध्यक्ष ने मान लिया इस बात को देखिए अभी ऑर्डर आ जाता है लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख को तक इसको आप
सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए डेफर कर दिया। 24 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए रखा है, आज सिर्फ 3 जनों की अर्जी जो उसको मंजूर करते हुए उनको रेस्पोंडेंट 5-6-7 बनाया है और अब जो कार्रवाई है वो 24 तारीख को ऑर्डर्स होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन नहीं ले सकते? देखिए यही निवेदन किया गया ऑर्डर में, जो वर्ड है जितना हमें पता चला है वो रिक्वेस्ट की गई है विधानसभा स्पीकर से कि वो जो आज की कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें, जो रिप्लाई उन्हें पेश करना है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। सेपटे राजस्थान बीजेपी सभापति सतीश पुनिया कहिछन्ति एहा न्यायिक व्यवस्था रे एक अंश अटे, आशा करुछि 24 तारीख रे कोर्ट एक भल राय सुनाइबे। एहा सहित सीबीआई तदंत प्रक्रिया को नै राजनीति न करबाकु से कहिछन्ति। कोर्ट का निर्णय है तो स्वाभाविक तौर पर उस निर्णय का इंतजार तो करना ही चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे हैं और हमारे यहाँ न्यायपालिका एक बड़ी ताकत है जो इस तरीके के संवैधानिक मसलों का समाधान समय समय पर करती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टिप्पणी की तो आवश्यकता समझता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा हमेशा भरोसा रहा है न्यायपालिका पे, वो जो निर्णय आएगा अच्छा ही आएगा और क्योंकि इस देश का संविधान इसलिए परिष्कृत हुआ है कि इस तरीके के जब संवैधानिक और कानूनी मसले उठते हैं तो आखिरकार न्यायपालिका अपने उसमें जो भी निर्णय देता है वो मिसाल बनती है, तो मुझे लगता है कि 24 तक इंतजार करना चाहिए। एक और बड़ी बात यह है कि सीबीआई जो है वो यहाँ देश का सांप्रतिक परिस्थिति को नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मध्य नियारा युद्ध बेस चर्चार विषय पलटिछि। दुई नेतांक मध्यरे एही वार प्रथमे कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकारंकर उपलब्धिर एक कैलेंडर जारी करी जोरदार बरसिथिले आउ यहार जवाब देबाकु कोनोसी सुजग हाथ छोडा करी नहांती केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। पूर्वतन कांग्रेस सभापति राहुल गांधी एवं केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकरक मध्यरे मंगलवार देखिबाकु मिलिछि ट्विटर वार। प्रथमे राहुल कैलेंडर रिपोर्ट जारी करी सरकारंक उपरे बर्षिले आउ संगे संगे राहुल को कड़ा जवाब देले जावड़ेकर। प्रथमे देखंतु राहुल सरकारंक उपरे कैलेंडर वार रे कौन सब उल्लेख करछंती। राहुल निज ट्विटर रे फेब्रुआरी रु जुलाई मध्यरे सरकारंक उपलब्धि को नै कटाक्ष करबा सह लेखिले फेब्रुआरी रे नमस्ते ट्रंप, मार्च रे मध्यप्रदेश रे सरकार भांगिले, एप्रिल रे कैंडल जलाइले, मे मासरे सरकारंक 6 वर्ष पूर्ति, जून रे बिहार रे वर्चुअल रैली, जुलाई रे राजस्थान रे सरकार भांगिबाकु उद्यम। राहुल को एही ट्वीट रा जवाब केंद्रमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ठीक सेही अंदाज रे देले। जावड़ेकर निज ट्वीट रे राहुल को उद्देश्य रे लिखिछंती फेब्रुआरी रे शाहीनबाग एवं दंगा, मार्च रे ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्यप्रदेश हाथ छड़ा, एप्रिल रे प्रवासी श्रमिकों को उसुकाइबा, मे मासरे कांग्रेस रो ऐतिहासिक पराजयर 6 वर्ष पूर्ति, जून रे चीन को बचाइबा को उद्यम, जुलाई रे राजस्थान कांग्रेस सरकार जीवा उपरे। राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी। कांग्रेस अब सहारा ढूंढ रही है, बेसहारा हो गई है, यही इसकी आज की कहानी है। कैलेंडर वार रे उभय पक्ष अभियोग लगाइबा को चेष्टा करछंती आ आक्रमण भी करछंती। भारतीय राजनीति रे आरोप और आक्रमण करिवार एहा थिला नुआ प्रयोग। राजनैतिक महल रे एहा बेस चर्चार केंद्रबिंदु पलटिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। आशा रे ही जीवन बंचे किंतु बारंबार आसुथिबा विपद को देखिले आशा भी दोहली जाए। एबे कोरोना रो प्रकोप कम होइने एपरि समय रे वर्षा ओ बन्या देशर केतेक अंचल रे सृष्टि करिछि प्रलय। पानी रो प्रहार पहाड़ रे हाहाकार मैदान रे चित्कार समुद्र हेला महाकाल प्रलयर ए दृश्य उत्तर भारतर एठे पाणीपाग सामान्य बदलिला तो मणिष पाई माड़ी आसिला महाविपत्ति। मौसुमी जोगु एबे सारा देशरे तो वर्षा होउछि। उत्तराखंड रे एबे प्रबल वर्षा को नहीं अलर्ट जारी होइछि। हरिद्वार रो प्रसिद्ध हर की पोरी रे वज्रपात जोगु व्यापक क्षयक्षति होइछि। वज्रपात जोगु पूरा पाचेरी ध्वस्त होइछि।
संपूर्ण अंचल भंगारुजा सामग्री भरी जाइछि। उत्तराखंडर पिथौरागढ़ एवं चमोली में प्रबल वर्षा जोगु पीपलपटी पाखरे भूस्खलन होइछि, तेणु जातीय राजपथ 7 रे यातायात बाधाप्राप्त होइछि। एहि समय रे लोकों बेपरुआ पड़ी देखा मिली, लोक जीवन को विपद में पकाई पहाड़ दृश्य देखा सह यार वीडियो शूटिंग करिवार लागि पड़िथिले। केवल पार्वती अंचल नुहे, समतल अंचल वर्षा और बन्या तार प्रकोप देखाई, विध्वंसर एपरी रूप बोधहुए आपण केबे देखि नथिबे। आसाम रे ब्रह्मपुत्र एवं जमराज पुत्र पलटि, यह ब्रह्मपुत्र बन्यार प्रकोप जहां नदी गर्भर बाहरी एवं सड़क एवं घरे पहुंचि जाइछि। धन और जीवन उभय को यह नष्ट भ्रष्ट करि देउछि। बन्या और भूस्खलन में मृत्यु संख्या 110 पार करिछि। आसामर 26 जिला ब्रह्मपुत्र बन्यार प्रभाव में प्रभावित। आसाम राज्य विपर्य प्रशमन प्राधिकरण अनुयायी बन्यार सर्वाधिक प्रभावित होइछि धेमाज जिला, एथिरे 58,000 लोक प्रभावित होइछन्ति। बारपेटारे 45,800 लोक एवं लक्ष्मीपुर में 33,000 लोक प्रभावित। एबे भी राज्यर 400 रु अधिक गाँ पानी घेर में 26,676 हेक्टर चाष जमि क्षतिग्रस्त होइछि। सबकिछि बर्बाद कर देइछि बन्या। दूर दूरांत गाँव को जोड़ुथिबा सड़क एवं नदी बंध ब्रह्मपुत्र प्रकोपरे बही जाइछि, कांथ धसी जाइछि, बाकी अछि केवल तार चिह्न बर्ण। आसाम भली बिहार रे मध्य वर्षा और बन्यार प्रकोप। एक दुईट दृश्य रु बिहार बन्यार स्थिति को बुझा चेष्टा करतु। प्रथम दृश्य काठमांडूर, एठार लगातार वर्षा जारी रही, भूस्खलन होदीर तीव्र बेग आगे सबकि असहाय हो पड़ी। द्वितीय दृश्य वाल्मीकि नगर गंडक ब्यारेजर, एठार बन्या पा अणायत्त होवु गंडक ब्यारेज को खोली दि जाइए। एथिजोगु राज्यर पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण समेत 6 जिले में बन्या आलर्ट जारी होई। ए सबु जिला समेत बिहार 9 जिले में पूर्व बन्या तार प्रकोप जारी रखी। पहाड़ और समतल अंचल पर आसतु देखा समुद्रर दृश्य। एवं केरल कोची में समुद्र तार सीमा लंघि, देखते ये दृश्य किभली समुद्रर पा सड़क पार कर लोकों को घरे पशुची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 ओडिया। उत्तराखंड उपरे एबे प्रकृतिर कोप, ए राज्य उपरे प्रकृति दाउ साधिबा किछि नुआ कथा नुहे। गत किछि दिन हेला बादल फटा वर्षा बन्या ओ पहाड़ धसिबा फळरे उत्तराखंडर जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि, बहु जीवन हानि घटिलाणी, लोके भेटा माटी हरै एबे सर्वस्वान्त। देखिबा हमर ए विशेष रिपोर्ट पहाड़रे जल प्रलय। ए हेउछि जातीय राजपथ नंबर 534, कोटद्वारु दुग्डा मध्यरे एही जातीय राजपथ उपरे फाटिछि बादल, मुसल धाररे वर्षा, पहाड़रु पथर ओ माटी खसी राजपथ अवरोध, पानीरे भासी जाइछि एक कार, 400 फुट तळकु खसी पड़िबारु दुई जन यात्री निखोज, उद्धारकारी दल बहु कष्टरे कार ड्राइवर को उद्धार करिछन्ति। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1:45 बजे करीब एनएच के पास पहाड़ों पर बादल फटा है, और बादल फटने के बाद जो मलबा यहाँ पे निकला था उसके चपेट में आने से एक जो कार है वो नीचे नदी में जा गिरी है। वो उस समय क्रॉस सड़क से कर रहा था, मलबा पूरा पहाड़ों से सड़क पर आया और कार उसकी चपेट में आ गई। सेपटे चमेली रे माटी अतड़ा धसीबारु बंद रही बद्रीनाथ राजपथ, दिन जाक लोके नहीं असुविधार सम्मुखीन होती। लाभगढ़, भनीरपाणी और नंदप्रयाग हिलेरी पार्क निकट में पहाड़ खसबार समान अवस्था, बहु कष्ट रास्ता सफा करा, जानवाहन चलाचल आरंभ होता, हेले दीपहर बेलू पुणी वर्षा होगा फल पहाड़ मटी अकड़ा धसबार लगी, पुणी रास्ता बंद हो जाए। 7 बजे से फंसे हुए यहाँ पर, और दिक्कतें तो हैं, आवागमन की जो है असुविधाएं हैं, और लगभग जो है अभी 3 या 4 घंटा और लगेगा, और हमें तो जाना भी है और फिर आना भी है, तो इसलिए जो है प्रॉब्लम तो है। राति सारा वर्षा, हरिद्वार शहर सारा खाली पानी आउ पानी, केवल हरिद्वार नुहे बनखेल, राणीपुर और ज्वालापुर अंचल एका अवस्था, रास्तार पानी सुअ, पानी में फासुची गाड़ी मोटर, वर्षा जल निष्कासन रास्ता नहीं, सहर रास्ता सबू
नदीर भ्रम सृष्टि करुछि। आप देखिए पूरे शहर की यह हालात हो गए हैं, बिना किसी योजना के पूरे शहर को खोद दिया गया है। जल भराव की स्थिति, जब बारिश शुरू होने वाली है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। हरिद्वार भली रुकरे मध्य एका अवस्था, एठी वर्षा जल रे रास्ता घाट एकाकार, अंटाए पानी रे चालुची गाड़ी मोटर, घरे घरे पशिची बन्या जल। बहुत कम बारिश हुई है, इसी में इतना बुरा हाल है। अगर ये थोड़ी देर और बारिश पड़ गई तो यहाँ पे गाड़ी निकलनी भारी हो जाएगी। सेपटे पिथोरागढ़ रे प्रकृति रो कोप लागी रहिछि, सबुठु अधिक क्षतिग्रस्त होइछि बंगापानी तहसील। जीवन दायिनी कुहा जाउथिबा गोरी नदी सारा अंचल को निज आ भीतर को नै जाइछि। सप्ताहक मध्य रे बहु घर द्वारा नष्ट होइछि, बादल फाटिबा फल रे परिस्थिति एमिति होइछि जे एही अंचल एबे बाकी दुनिया थारु विच्छिन्न होइ रहिछि। प्रकृतिर एही कोपरे एपर्यंत सात जन प्राण हरैले, पहाड़ अतड़ा धसिबा फळरे एबे भी बहु लोक निखोज अछन्ति, एमानकु खोजिबारे लागिछन्ति उद्धारकारी दल। रोज बारिश हो रही है, बादल फटने फट रही है और हमें भी भय है, खतरा कब किस समय क्या होता है। हम भी संवेदनशील हो जाते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। पिथोरागढ़ सीमांत में वर्षा सबुबले विपर्जय हो बरसी थाए, लोके एमितिका वर्षा केवे देखी नहांती, जहां सेमानक जीवन को बर्बाद कर दिए। प्रकृतिर कोप और पादे पादे विपद भितर जीवन काटुची पहाड़ी मनीष। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। 85 वर्ष बयस आज सका आखि बुझी मध्यप्रदेश राज्यपाल लालजी टंडन। से दीर्घ दिन है असुस्थ थे, असुस्थता जो लालजी टंडन जून 11 लक्षौर मेदांत हस्पिटाल भर्ती होते। गत रात स्वास्थ्य अवस्था अधिक खराब हो वेंटिलेटर में रखा जाता। लालजी उद्देश्य से श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्मान में 3 दिन राजकीय शोक पालन घोषणा कर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। पंचभूतरे विलीन हेला विजयों मर शरीर मंगलवार सका शेष दर्शन पर हस्पिटाल लगी बहु लोक शेष दर्शन करने मर शरीर अणा जा विजय रसुलगढ़ बासभवन को रास्तार दुई कड़े ठिया हो प्रिय कलाकार शेष थर पर देखी लोके उत्कल संगीत महाविद्यालय अनेक विजयों शेष दर्शन करते। अपराह प्राय गोटाए बेले पार्थिव शरीर निया सत्यनगर श्मशान कोविड कटकणा भितर अल्प आत्मीय स्वजनों उपस्थित संपन्न होता अंतिम संस्कार मुखाग्नि देते ज्वाई देवदत्त दास। समय सारी भारत 360 को इटि रखा, नमस्कार।